झूलेलाल जयंती के पूर्व अवसर पर हर वर्ष की बात इस वर्ष भी आगरा विकास मंच के सहयोग से इस वर्ष के हिंदू पंचांग पत्रिका का विमोचन किया गया। हिंदू पंचांग पत्रिका का विमोचन लोहा मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में किया गया। पत्रिका विमोचन के दौरान शहर की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। झूलेलाल जयंती के अवसर पर गुरुवार को इस वर्ष के हिंदू पंचांग पत्रिका का विमोचन किया गया। नव संवत एवं चेटीचंड पर्व पर वार्षिक पर्व पत्रिका 2023-24 का विमोचन अग्रसेन भवन सरकी मंडी लोहा मंडी में हुआ। आज आगरा विकास मंच के कार्यकारिणी सदस्य जयराम दास भोज चंदानी का परिवार कई दशकों से चेटीचंड पर नव संवत पर एक हिंदू पंचांग निकालता चला आ रहा है। इस हिंदू पंचांग में हिंदू धर्म की तिथियां, शुभ लग्न, त्यौहार और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। यह पंचांग देश नहीं पूरे विदेश के अंदर पहुंचता है। आज जब हमारा देश 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा है, ऐसे में हमारे आगरा विकास मंच के मंत्री और शहर की तमाम सामाजिक संस्थाओं को विभूषित कर रहे श्री जयराम दास जी हो चंदानी द्वारा 21वां पंचांग का आज यहाँ विमोचन कराया गया है। बहुत ही जनउपयोगी ये पंचांग है, पूरे साल इससे हमें हिंदू रीति रिवाज से चलने की प्रेरणा मिलती है। हाँ, आगरा विकास मंच के हमारे वरिष्ठ सदस्य और महान समाजसेवी जयराम दास जी के द्वारा अपने परिवार, अपने माता पिता नारायण दास जी हो चंदानी और श्रीमती देवी बाई की स्मृति में विगत बहुत वर्षों से एक पंचांग का आज नव संवत्सर अवसर पर करते आ रहे हैं और मैं इनको, इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। यह वार्षिक पर्व पत्रिका पिछले दो दशक से जयराम दास होत चंदानी परिवार द्वारा निशुल्क वितरित की जा रही है। पत्रिका में हिंदू धर्म के त्योहार, विवाह मुहूर्त, तिथियां, शुभ मंगल कार्यक्रम की तिथि एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रमों की संपूर्ण जानकारी है। आगरा विकास मंच के अध्यक्ष राजकुमार जैन, सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सोनी और शहर के जाने माने वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर बी के अग्रवाल ने जयराम दास होत चंदानी परिवार को इस नेक कार्य के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो जय भगवान झूलेलाल। और ये मैं काफ़ी सालों से इस पंचांग के विमोचन में लगभग मैं हर साल रहा हूँ। पिछला शायद कोविड के टाइम पे एक दो साल मेरे को याद नहीं है, बट पहले अशोक जैन सी हमारे बड़े भाई तो वो रहते थे, वो आज नहीं है हमारे साथ, बट वो उनके साथ मैं हमेशा इस कार्यक्रम में रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा एक आज पंचांग का विमोचन किया है। सबसे पहले तो चेटीचंड की लख लख बधाइयाँ। और इस पंचांग की वजह से, आज इस विमोचन की वजह से जिन जिन को भी पढ़ें, जिन जिन को भी लाभ हो, तो उसमें पढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जयराम दास यह कार्य अपने माता पिता की स्मृति में कर रहे हैं, जिससे बुजुर्गों के प्रति सेवा और आदर की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम का संचालन गागन दास रामाणी ने किया। जयराम दास ने आभार कार्यक्रम में सहयोग के लिए आगरा विकास मंच के सहयोग से और सिंधी सेंट्रल पंचायत को विशेष तौर पर प्रकट किया। जयराम दास होचंदानी जी विगत दो दशकों से अपने माता पिता की स्मृति को चिरंजीव रखने के लिए उनके निमित्त इस हिंदू पंचांग का प्रकाशन करते आए हैं, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और इससे युवाओं को ये प्रेरणा मिलेगी कि उनको भी माता पिता के निमित्त कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। ये पंचांग सभी के घरों में काम आने वाला है और इसका वितरण निःशुल्क किया जाता है। तो मेरा अनुरोध रहेगा समाज से इस पंचांग को संभाल के, और आज हिंदुत्व की बहुत आवश्यकता है हमारे परिवारों में। अपनी माता पिता के याद में पिछले 2003 से, मतलब ये 20वां है, 20 या 21वां है, ये पंचांग में छपवा रहा हूँ। और पूरी सर समाज के लिए है, और क्या नाम है, इसमें हर चीज़ की क्या नाम है जानकारी दी है, जो भी ज़रूरत होती है पंडितों से वो है। सत्यनारायण की कथा भी इसमें दी हुई है, और क्या नाम है आगरा विकास मंच के भी उसमें सभी जो कार्य हैं वो भी दिए हुए हैं, सम्मिलित किए हुए हैं। सेंट्रल पंचायत के भी दिए हुए हैं, जयपुर हाउस पंचायत के भी सभी दिए हैं। इस अवसर पर घनश्याम दास देवनानी, जीवत राम करीरा, शोभा राम पुरसनानी, सुनील कुमार जैन, डॉक्टर बी के अग्रवाल, डॉक्टर रमेश धमीजा, संदेश जैन, सुशील जैन, पंडित भूपेंद्र महाराज, हीरा लाल त्रिलोकानी, सुरेश शीतलानी, सुरेश होत चंदानी, अनिल निखिल होत चंदानी आदि की प्रमुख उपस्थिति रही।